नमस्कार दोस्तों, क्या कैसे करें में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम कैसे एक्टिवेट करें, यानी कि नई पिन जनरेट कैसे करें। सबसे पहले हम चलिए एटीएम में चलते हैं। एटीएम में जाने के बाद आप अपना कार्ड स्वाइप करेंगे। सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार की साइट आएगी, उसके बाद आप अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करेंगे। स्वाइप करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की ऑप्शन आएगी, प्लीज़ सिलेक्ट योर लैंग्वेज। आप हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, आपको जो नीचे से दूसरा है सेट रीजनरेट पिन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ का बटन दबाना है। बटन दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार से एंटर योर 14 डिजिट अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको अपने 14 डिजिट के नंबर टाइप करने हैं। टाइप करने के बाद करेक्ट पे क्लिक करना है, नीचे से जो थर्ड नंबर पे है ऊपर से सेकंड। उसके बाद दोबारा से आपको अपने 14 डिजिट के नंबर टाइप करने हैं। टाइप करने के बाद करेक्ट पे क्लिक करना है। करेक्ट का बटन दबाने के बाद आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, प्लीज़ वेट योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड। उसके बाद आपको अपने मोबाइल के 10 डिजिट दबाने हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद करेक्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर से जो दूसरे नंबर पे है। दोबारा से आपको अपने मोबाइल के 10 डिजिट टाइप करने हैं। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको करेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जो आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद दोबारा से आएगा, प्लीज़ वेट योर ट्रांजैक्शन इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज़ एंटर योर पिन, इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो अपना नई न्यू पिन बनाना है आप उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, जो 4 डिजिट का होगा। उसके बाद प्लीज़ री एंटर योर न्यू पिन, आपको री एंटर करना होगा वो पिन जो आप बना रहे हैं। उसके बाद प्लीज़ वेट योर ट्रांजेक्शन इज बींग प्रोसीड, इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने आएगी। पिन चेंज सक्सेसफुली, तो आपके पिन चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी इस यदि आपने अभी तक अपना बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM एक्टिवेट नहीं किया तो आप जाके एक्टिवेट कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।